तो रामन है, कुंभकर्ण है, वेगनाथ है। और रामन है 65 फुट का, कुंभकर्ण है 60 फीट का, वेगनार है 55 फीट का। किस प्रकार से तैयारी कर रहे थे अभी? तैयारी कुछ इनमें कमी रह गई हैं, कुछ तैयारी पूरी कर दी गई हैं। कुछ बड़े बड़े आइटम हैं, जैसे लहंगा है, धड़ है, उन पर कपड़ा लगाएंगे हम। कपड़ा लगाने के बाद फिर फूल पत्ती वगैरह लगाएंगे, अभी उनमें कमी रह गई है। तो कब तक पूरी हो जाएगी? ये 1 से 2 तारीख तक हम इन्हें कंप्लीट कर देंगे। कब आए थे आप रावण? हम 6 तारीख को आए थे 6 तारीख से जी एक महीना लग जाता है जी एक इनमें पूरा। महीना लग जाता है इनमें पूरा। आपके क्या खास देखने को मिलेगा खास रावण? इनमें देखने को ये मिलेगा, लाइटों से सजाई जाएंगी अच्छी तरीके से, जी ताज वगैरह, इनके ये कान वगैरह, तलवार वगैरह, ढाल वगैरह, ये सब सजाए जाएंगे लाइटों से। और सीने पर चक्री चलाई जाएगी आपके, और बम भी बहुत काफ़ी अच्छे लगाए जाएंगे। कब से काम कर रहे हैं आप? हम 6 तारीख से काम कर रहे हैं। नहीं, आपकी रावण बनाने के लिए कब से? हमें करीब 20-25 साल से ज़्यादा हो गई यहाँ बल्लमगढ़ में काम करते करते। पहले पापा करते थे, फिर उनके साथ हम भी आने लगे। ये एक्चुअली में हमारे पुराने टाइम से मनता आ रहा है दशहरा। इसको मनाने के लिए हमें 3 महीने से तैयारी करनी पड़ती है। बाहर से सारी झांकियां आती हैं, बाहर से रावण बनाने वाला आता है। रावण बनाने वाला कम से कम 1 महीना ले लेता है इसको बनाने में। अभी तैयारी हो रही है। रावण बनाए जाते हैं इस पर थोड़ी सी हाइट उन्होंने कम रखी है। इस टाइम हमने 50 फुट, 55 फुट और 60 फुट के 3 पुतले बनवाए हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ। कितनी अब तैयारी हो चुकी है? अब तैयारी हो गई थी, बस थोड़ा सा मौसम ख़राब होने की वजह से थोड़ा डिले हो गया है। बाकी तैयारी सब हो चुकी हैं हमारी, मोस्टली 90%। और थोड़ी सी शहर की लाइटें उस वजह से नहीं लगी हैं, जो हम सारे शहर में लगाते हैं लाइटें, जिससे थोड़ा रौनक मेला होता है। बाज़ार के व्यापारी भी खुश होते हैं कि चलो कि 2-4 बंदे हैं जो शहर का रख रखाव भी करते हैं, शहर में समाज सेवा करते रहते हैं। दशहरे के चक्कर में समाज सेवा करनी पड़ती है थोड़ी सी। हाँ, काफ़ी टाइम बाद नहीं, लास्ट ईयर भी हमने थोड़ा बनाया था, वो भी इस परमिशन हमें 2 या 4 दिन पहले ही मिली थी, इस वजह से हमने थोड़ा सा छोटा सा बनाया था कोरोना काल की वजह से। खा पाएंगे लोग? हाँ, अब तो बहुत लोग आएंगे, वहाँ लाखों की तादाद आती है, भीड़ बहुत होती है हमारे यहाँ।